ऐसा है कि लिखना क्यों शुरू किया मैं आपको बताऊंगा। कई बार मैं इसको लिख भी चुका हूँ, बता भी चुका हूँ कि पढ़ने में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी, पढ़ाई लिखाई में। जब टीचर पढ़ाते थे तो मैं कुछ सोचा करता था, क्या सोचता था, कभी नेचर के बारे में, कभी कमल के फूलों के बारे में, कभी बादल के बारे में, कभी चिड़ियों के बारे में। टीचर पढ़ाते रहते थे और मुझे पूछते थे कि भाई समझ गए जो पढ़ाया था, तो मैं कहता था हाँ समझ गया। तो वो मेरे ऊपर बड़ा यकीन करते थे, मान लेते थे कि ये सच बोल रहा है, जो कह रहा है वो सच्ची बात है। इसी दौरान जो है यहाँ हाई स्कूल करने के बाद पहुँचे अलीगढ़, तो यहाँ एक हॉस्टल है मुमताज़ हॉस्टल, वहाँ रहते थे। तो किसी ने कुछ बताया, कोई किस्सा सुनाया, कोई बात सुनाई, तो मैंने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैं दूसरों को बताऊँगा। फिर ये सोचा कि दूसरों को, कितने लोगों को बताऊँगा मैं 2, 4, 6, 10, लेकिन अगर मैं इसको लिख दूँ तो शायद ये ज़्यादा लोग इसको पढ़ेंगे। तो वहाँ से लिखने की शुरुआत हुई। हॉस्टल में ही एक हमारे कलीग थे, वो निकालते थे उर्दू की मैगजीन जिसका नाम